हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो सेम माउस एंड कीबोर्ड को कैसे दो ऑपरेटिंग सिस्टम या दो लैपटॉप के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो दिखाने वाला वो सेटअप। तो ये मेरा लॉजिटेक का माउस और कीबोर्ड है दोनों, और इनके जो रिसीवर्स है ना, वो ब्लूटूथ रिसीवर्स, वो मैंने मैक मिनी के साथ कनेक्ट कर दिया। वो पीछे है, ये लैपटॉप के पीछे यहाँ पर है, तो वो मैक मिनी के साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों अभी मैक मिनी के साथ काम करेंगे, ठीक है, और लैपटॉप में लैपटॉप का कीबोर्ड और ये काम करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, ये ब्लूटूथ वाले दोनों के साथ यूज़ करना है। तो लेट्स सी, दोनों को हम रिस्टार्ट करते हैं। तो दोनों को मैंने ऑन कर दिया, मैंने ऑलरेडी इस सेटअप वगैरह सब करके रखा है। मैं बस आपको एक बार एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है दोनों स्टार्ट करने के बाद, और उसके बाद हम दोनों के स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अलग से देख लेंगे कि कैसे सेटअप करना है, डाउनलोड करना है सब कुछ। और बहुत बार आप ऐसे देखोगे कि ये रिस्टार्ट करने के बाद वो काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं अभी मैक मिनी में लॉगिन कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अभी मैंने उस पर टच भी नहीं किया विंडोज़ वाले पे। अभी देखो ये इस पे, बस मैं ये सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ये अपने आप ही कनेक्ट हो गया उससे। अगर उस पे लैपटॉप की लैपटॉप पे मतलब वो उसके साथ कीबोर्ड माउस होता भी नहीं, तब भी जो मेन आपका लैपटॉप है उसमें आप बैरियर को ऑन करोगे तो अपने आप ही उससे कनेक्ट हो गया। ये माउस, सेम माउस इधर और इधर सेम माउस यूज़ हो रहा है, तो मुझे उसको टच भी नहीं करना पड़ा रिस्टार्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप, डाउनलोड वगैरह सब कैसे करना है वो हम देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो मैंने लैपटॉप पे ऑन कर लिया है दोनों रिकॉर्डिंग, और ये सेम ही माउस कीबोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ ब्लूटूथ वाला दोनों में। तो आपको अगर सेटअप करना है ऐसे ही, तो आप ऐसे ही एक सर्च कर लो, बैरियर डाउनलोड गिटहब। सिर्फ बैरियर डाउनलोड सर्च करोगे तो एक कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आ जाएगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला शायद आएगा, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ओपन सोर्स है और इसका ऑफिशियल गिटहब से ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो दोनों में मैं ओपन कर रहा हूँ, मैक मिनी और विंडोज़ दोनों में। तो यहाँ पर आपको बस ये लेटेस्ट रिलीजेस पे जाना, यहाँ पर भी रिलीजेस पे लेटेस्ट पे जाना। तो यहाँ पर आपको ये 2.4 दिख जाएगा, और अभी के हिसाब से 2.4 मतलब लेटेस्ट है। तो यहाँ पर ये जो DMG फाइल है, ये मैक मिनी के लिए, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और EXE वाला है विंडोज़ के लिए। तो मैं विंडोज़ लैपटॉप पे EXE डाउनलोड किया था मैंने, और इस पर DMG कर किया था, वो मैं दोबारा नहीं कर रहा। तो EXE को बस आप डबल क्लिक करोगे, EXE को डबल क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके विंडोज़ में, और DMG वालों को भी आप डबल क्लिक करोगे तो वो ये एप्लीकेशन फोल्डर पे मूव करने का ऑप्शन आएगा। आप ड्रैग कर दोगे एप्लीकेशन फोल्डर में तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं प्रोसेस नहीं दिखा रहा। तो अभी क्या करते हैं, दोनों में सेटअप मैंने क्या किया वो एक बार देख लेते हैं। दोनों में बैरियर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ओपन कर लेते हैं, इसमें ये ओपन है शायद, हाँ। तो इसमें फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप करोगे तो मेरे हिसाब से आपको उस लैपटॉप पे मतलब ये सर्वर रखना चाहिए, जहाँ पर आप ज़्यादा मतलब माउस कीबोर्ड यूज़ करने का सोच रहे हो। आई थिंक थोड़ा सा कभी कभी लैग हो जाता है, मतलब एकदम स्मूथ काम करता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कभी कभी लैग हो जाता है। तो बेस्ट होगा कि मैं अगर मैक में यूज़ करने का सोच रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं मैक को सर्वर रखता हूँ और विंडोज़ को क्लाइंट बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे किया। तो मैक वाले में मैंने यहाँ पर सर्वर पे टिक किया हुआ है, और विंडोज़ वाले पे आप देखोगे यहाँ क्लाइंट पे टिक किया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से मैक में मेरा सब ये जो माउस और कीबोर्ड कनेक्टेड है, और उसके थ्रू मैं विंडोज़ वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, ये ऑटो कॉन्फ़िगर ऑफ था। फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो ये ऑफ था और ये ब्लैंक रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो IP एड्रेस मिलेगा, ठीक है, वो मैंने एग्जिस्टिंग वाले को सेव कर लिया इसलिए ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर आपको जो IP एड्रेस मिलेगा, ये यहाँ पर ऐसे अगर रहेगा तो ये IP एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। 192.168.1.0.3, ठीक है। तो यहाँ पर 103 है, तो मैंने वही वाला यहाँ दे दिया, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर सर्वर पे जाना है। यहाँ पर आप देखोगे
इसमें जो आ रहा है विंडोज में जो स्क्रीन नेम आ रहा है ना आरिफ खान, वो मैंने यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा ये कंप्यूटर ऐड करके वो आरिफ खान नाम दिया, वो आप इधर से ड्रैग करके कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे ये वाला नया करना था, इसको अगर डिलीट करना है तो आप इसको ड्रैग करके ऐसे डिलीट में मूव कर सकते हो। मान लो मुझे एक नया ऐड करना था, ये नहीं है मान लो, तो ये अगर ऐड करता मैं तो इसमें डबल क्लिक करता तो ये अननेम्ड को मुझे सेम नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो ये शायद एरर आ जाएगा क्योंकि ये जो है ऑलरेडी सेम नाम से, तो ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बट यही चीज़ मैंने किया था इसमें, आप इसमें अगर डबल क्लिक करके देखोगे कुछ भी मैंने सेटिंग चेंज नहीं किया, सिर्फ इसका नाम आरिफ खान दिया जो कि यहाँ पर स्क्रीन नेम है। ठीक है, सेम नेम यहाँ पर देना है आपको और ओके कर देना। ओके, ठीक है, ये दो चीज़ करना है। और इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको सेव कॉन्फिगर करके, यहाँ से सेव कॉन्फिगरेशन करके उसको सेव कर सकते हो, और फिर उसके पाथ को यहाँ से आप दे सकते हो, और नहीं भी चाहो तो वो रहने दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ये सारा कुछ करने के बाद भी मेरा काम नहीं कर रहा था, वो उसका रीज़न था कि इसमें कोई एक छोटा सा बग वगैरह कुछ है शायद, जिसकी वजह से ये आपको चेंज सेटिंग में जाके ना ये एनेबल SSL को डिसेबल करना पड़ेगा। ये पहले से एनेबल था और ये जब एनेबल था तब काम नहीं कर रहा था, इसको अगर इसको आपको डिसेबल करना है, एक में नहीं दोनों जगह पे डिसेबल करना, इसमें भी अगर करना है तो आपको यहाँ बैरियर चेंज सेटिंग और ये आपको डिसेबल करना है। ठीक है, और ये करने के बाद आप इसको भी ऑन कर दो, ये स्टार्ट बैरियर ऑन स्टार्टअप, हाइड ऑन स्टार्टअप को भी ऑन कर सकते हो आप। इससे आपका बस वो जब लैपटॉप रिस्टार्ट होगा तब ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट वाला मैक पे पता नहीं क्यों अपने आप स्टार्ट नहीं होता है समटाइम्स, और वो मुझे लॉग इन करके एक बार ओपन करना पड़ता है, बट विंडोज़ में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। विंडोज़ में आपको चेंज सेटिंग में जाके ये आप नहीं भी ऑन करोगे तब भी मैंने देखा है वो अपने आप ही ऑन ही रहता है हमेशा, कुछ इशू नहीं होता, जब भी मैं रिस्टार्ट करता हूँ वो कनेक्ट हो जाता है अपना। ठीक है, तो ये है मेन पूरा चीज़, तो इसको आप रिलोड कर सकते हो। अभी देखो रिलोड किया तब भी इट्स वर्किंग, इसमें ओके करके मैं इसको भी एक बार रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो अभी भी ये थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि अभी मैंने पूरा रिस्टार्ट किया, अभी देखो फिर से पूरा कनेक्ट हो गया और अभी ये ठीक तरीके से काम कर रहा है माउस। स्टार्ट मतलब एक बार स्टार्ट होने में 10 सेकंड थोड़ा सा लैग करता, और अभी ऑलमोस्ट ऐसे फील हो रहा है कि इसी लैपटॉप पे कनेक्टेड है माउस, कोई इतना लैग नहीं फील होगा। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है। और अगर आपको सेव कॉन्फ़िगरेशन वाला करना है जैसे मैंने किया था, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो सेव कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने ये फाइल को ऐसे डॉक्यूमेंट्स में ये यहाँ पर ऐसे सेव कर दिया था। ठीक है, रिप्लेस करने बोल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया था, और यूज एक्सिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप ब्राउज करके उस फाइल को पॉइंट कर दोगे तो आपका वो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा यूज होगा। तो इसको फिर से एक बार रिलोड कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं है। देखो अभी रिलोड किया तो फिर से थोड़ा सा अभी अटक रहा है, और एक बार रिस्टार्ट हो जाए, हाँ रिस्टार्ट हो गया, अभी फिर से जैसे काम कर रहा है वैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ऑल होल सेटअप, आई होप इससे हेल्प हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो कुछ हो आप कमेंट कर सकते हो, और आई थिंक ज़्यादा तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप दोनों को क्रॉस भी कर दोगे तब भी ये अपने आप जैसे काम करता है वैसे ही करेगा, तो मैं यहाँ पर भी कुछ टाइप कर सकता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सो आई होप दैट इज़ हेल्पफुल, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।